वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बुधवार को बजट पेश किया है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमन ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए हैं। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमन ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। आइए जानते हैं कि जनता को आज क्या मिला है। टैक्स रिबेट में कटौती का मतलब साफ है कि बजट 2023 में मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई है। इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 लाख कर दी गई है। पर्सनल इनकम टैक्स पर नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए सीतारमण ने कहा कि 3 से 6 लाख रुपए सालाना आय वालों को 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए आय पर इनकम टैक्स की दर 10% होगी। 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स और 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए पर 30% और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। बजट पेश करते हुए सीतारमण ने सीनियर सिटीजन और महिलाओं को भी गुड न्यूज दी है। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। वहीं महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। नौकरी पेशा के लिहाज से ये बजट अच्छा माना जा रहा है।